अगर कोई इसको खाकर ये बोल दे कि ये बर्फ से नहीं बनी है, जैसे मैंने बोला, तो मान नहीं सकते, मान ही नहीं सकते हैं ना। दादा ही टाइम था ये। ओके ओके। दादे दे गए थे, पोते पोते ज्यादा होंगे, फिर मंडे नहीं गया थोड़ा सामान है? मंडे आई, साडे चाचा भी यही काम करते हैं। ओके। कोई बोल ही नहीं सकता ये बर्फ के बिना, इतनी ठंडी है। अच्छा, ठंडी है। टेस्ट किस तरह का? मूर्त कर लेना। कई लोग जिवें पहला जिन्हों आप इशनान कहने करके फिर मत्था टेकते हैं, कई लोग वैसे ही मत्था टेक के फिर बाद चाहते हैं। तो पानी च डुबोने आ ते घर आके इस तरह का बन जाता। पर वैसे मैं पुराना आपका एक्सपीरियंस दसा तो मेरा तो बनया नहीं सीगा। जा रहे थे मैं सुबह ना चेक किया तो गड्डी में ना थोड़ा ब्रेक ऑयल थोड़ा घट लग रहा था, तो विवेक जी ने दिता तो फिर वो पा लिया। तो मैं इतने एक स्पेयर पार्ट वाली दुकान देखी सी कि सोचते हैं भी वो आप लैके रख लीए कोल। बहुत नाम मात्र जहा, पर मैं दो शीशियाँ रख लिया, मैं क्या फिर कितने एमरजेंसी जरूरत ना बह जाए। फिर दुकाना भी इतने लभनिया औखिया हो जाएँ, तो वह खड़ी अपनी सामने राणी सुंदर। चलते हैं आप अगले सफर में। जो आप मिनिस्ट्री के उसे दर्शन किए तो ये अपन मंत्र दिखाया उत्ते, तो आप इधरले रूट से जिन्हें भी गड्डिया सारिया उन्होंने पिछे ज किसी के शीशिया से टंगे हुआ इस तरह देखे तो सोहना लगता सगा, तो सोचा भी आप भी लै लीए, तो आप भी खरीद लिया है तो रानी सुंदर सुशोभित कर दिता। तो आप अपनी रानी सुंदर इतने पार्किंग खड़ी करती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग आ। तो विवेक जी हुणी आ रहे, पिछे पांच मिनट के फर्क नाल रस्ते च रुक गए सीगे, तो इसकी पार्किंग फीस सिर्फ यही है कि तुम प्रसाद लेना वा तो उ पार्किंग फीस है। तो लेने तो वो वाला रास्ता भी आता सामने जरा। अच्छा अच्छा, एक मिनट का रास्ता, ठीक है। जी बस ये क्रॉस करके सामने गेट है मंदिर का। ओके ठीक है, ये शॉर्टकट रास्ता दस रहे भी इसे तुम प्रसाद लेके जाओ तो सीधा मंदिर पहुँच जाओगे। पाँच सत्त मिनट के इंतजार तो बाद विवेक जी भी पहुँच गए अपने कोल, अपने कारावैन भारत वाले ट्रक में लैके। तो प्रसाद आप इतों लै लिया, तो इस प्रसाद के नाल गड्डी की पार्किंग फीस दुकानदार ने इनकलूड की। तो विवेक जी भी आ रहे तो बाकी सारी फैमिली भी आ रही है, मिलते हैं आप अगे मंदिर जाके। तो आप जो ही वो शॉर्ट गली तो एंट्री नीचे नू की है तो बहुत सोहना चमुंडा देवी माता दे बाजार का दृश्य। इधर सामने झूलों की तैयारी हो रही है, झूले उदों ही लाए जाते जो मेला होवे, तो मेला इतने नवरात्रियों का लगन वाला, तो फिर इतने खूब चहल पहल तो खूब रौनक होगी। आइसक्रीम है सर। फिर इसकी पैकिंग करते हैं, इसमें रखते हैं, बिल्कुल ठंडा, बर्फ से ज्यादा। चवंडा देवी माता मंदिर की मेन एंट्रेंस पार करने
ਆਪਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਮੰਦਿਰ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਇੱਧਰ, ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। अभी मंदिर के जीर्णोद्धार का कुछ काम चल रहा है। यहाँ ये इसका प्रवेश द्वार जहाँ से हम आए हैं, ये नीचे एक छोटा सा सरोवर बना रखा है, उस तक जाने का रास्ता है। ये है देखिए सरोवर, पीछे भी मुझे लगता है बहुत ही सुंदर प्राकृतिक एक खड़ बोलते हैं यहाँ पर, वो खड़ बह रही है। उस तक जाने के लिए वो जो आपको ब्रिज दिख रहा है वो उस तक जाने के लिए संभवतः एक मार्ग है। और ये हम फिर बजरंगबली की मूर्ति तक आ गए जहाँ से हमने इस दृश्य को शुरू किया था। आप मत्था टेक लिया मंदिर के, आप दर्शन कर लिए, तो उधर कम चलता पाया सी तां उन्होंने पूरी अंदर एंट्री नहीं कर दी। चलो आप बारों ही नमस्कार कर दी, तो इधरले साइड पर आप आ गए। देखो सारे जने इधर नहा रहे ने, जिहड़ी नदी जा रही है नालों। कई लोग जिवें इत्थे पहलां जिन्हों आपां इशनान कहिंदे आ ओह करके फिर मत्था टेकदे ने, कई लोग वैसे ही मत्था टेक के फिर बाद च आउंदे ने इत्थे नहा। प्रेम से बुला रही हूं, प्रेम से बोलो। लग रहा है मुझे ये श्रीमती जी पूछ रही हैं ये कौन है, तो मुझे तो देखिए शेर ही लग रहा है। मैंने मगरमच्छ की, मगरमच्छ की किस्म लग रही है मैंने, है ना कुछ देखो। हाँ गुरु को ना साढ़े कोई भी चीज़ का सबर नहीं है, चाहे वह खाने वाली चीज़ है या पहनने वाली है, तो नाल दी नाल इन्हें मूर्त कर लेना है। हाँ पर छिड़का के दिखा, मलाई बर्फ सर आप पहला जान लगे भाई साहब तो पुछ के गए थे, इनफॉरमेशन भी ली तुम पहला शायद वीडियो देखा होगा। तो हूँ आप पहला सर ने 10 प्लेटा गया, मैं क्या 10 नहीं, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਟੇਸਟ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਫੂਡ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਕਰੇਂਗੇ ਇਸਕੀ। ਔਰ ਆਪਕੀ ਕੋਈ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਬਰਫ ਦੇ ਬਿਨਾ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਟੇਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਵਧੀਆ ਨੋਰਮਲ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਾਮ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਬਦਾਮ ਵਗੈਰਾ ਡਾਲਦੇ ਆ। मैं ना आइसक्रीम का टेस्ट करके देखा है, तो जिदा अपने पहला गलियों के डके लिए भी नहीं बेचने आते थे, वैसे अजक भी है ना, तो उसने रलद मिलता टेस्ट आ। पर अलग गल ये हैगी है कि यह कहें अभी बर्फ ला के ज फ्रिज के नहीं बनाई, नॉर्मल ट्रडिशनल तरीके ही बनाने हैं। ਇਹ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੱਸਿਆ 80-90 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਤੱਕੜੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਦਾਦਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ? ਇਹ ਵੰਡਿਆ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਵਾਜੀ ਵਾ ਤੋਂ ਹਮ खा रहे हैं ये बिना बर्फ की बनी हुई आइसक्रीम। बाकी चीज़ें तो अभी आपने जब भाई साहब बता रहे थे तो सुना ही, टेस्ट करके बताते हैं कैसी है। इसका ना सर हमारे पास ब्याह जैसी ब्याह शादी होती है उसका ऑर्डर भी होता है। दो चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा इसके लिए, एक हम कुछ अलग, अगर कोई इसको खाकर ये बोल दे कि ये बर्फ से नहीं बनी है जैसे मैंने बोला तो मान नहीं सकते हैं ना। और दूसरा इसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि घर के बाहर वो टंटन वाली जो कुल्फी मिलती है ना, लंबी वाली डक्के वाली, हाँ वो जो जमा के देते हैं वैसा ही बिल्कुल टेस्ट है, तो बहुत ही अच्छा स्वाद। हाँ, की बोले तुझे? मंदिर आइएगा तो माता रानी के दर्शन तो करिए जाए, साथ ही इस कुल्फी को भी खा के जाइएगा, बहुत ही यूनिक तरीके से बनती है। और मुझे लगता है ये देश की वो चीज़ें हैं, वो विधाएँ हैं जो लगभग लुप्त होती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम ऐसे जो लोग जो इस प्रकार की विधाओं में कलाओं में अपनी अपनी अपना अपना काम कर रहे हैं उनके कौशल को हमें सम्मान देना चाहिए, और इससे ज़्यादा और हम क्या कर सकते हैं। ये देखिए भी ये ऐसे धूप में बैठे हैं लेकिन इतनी ठंडी कुल्फी है ना, ये वाली आइसक्रीम धूप में भी नहीं पिघल रही। चलो जी मेरी बारी, वैसे टेस्ट था तो मैं पहला दसता गुड्डू बिल्कुल सच बोल दी। हाँ पुत्र किस तरह टेस्ट है?
बिलकुल ट्रेडिशनल पंजाबी दस्या अत। धार्मिक जगह चाहे कोई भी हो चाहे किसी भी धर्म ना उदा संबंध हो तो अगर तुसी पॉजिटिव वे ना जाओगे मन बना के जाओगे पॉजिटिव तो थोनू उत्थे शांति ही मिलेगी। सानू बहुत अच्छा लग्या इत्थे दर्शन करके। मैं ना तो लंघता सी जिवें आपां इस तरह दी जगह ते जांदे ना तो कुछ ट्रडिशनल चीज़ा देखने नूं मिलदियां ते आपां वी जदों बचपन च छोटे छोटे दिन दे बियारां च इहो जिही चीज़ां विकनी आउंदी सी संजीवनी बूटी कहिंदे सी। क्यों जी संजीवनी बूटी कहिंदे इहनूं? संजीवनी प्लांट। संजीवनी प्लांट तो इहनूं पाणी च डुबाउंदे आ ते घर आ के इह इस तरह दा बन जांदा। पर वैसे मैं पुराना आपदा एक्सपीरियंस दसां ते मेरा ते बनिया नहीं सीगा। हुण शायद नवीं तकनीक आ गई होवे ते घर जाके बन जांदा होवे कुछ कह नहीं सकदे। किन्ना किन्ना ने इस तरह पुराना खरीदिया सी 20 साल पहला जरूर कमेंट करके दस्यो। तो आप नैक्सट डेस्टिनेशन लई जा रहे सीगे ते पानी की कमी सी ते कुछ दिन पहला आप थोनू इस होटल दे विच वीडियो बना के दिखाई सी ताकरी है ना। हुण इन्हां ने बोर्ड लुकोया वे क्योंकि हजे इन्हां मूर्त नहीं किया गया ते इत्थों आपां पाइप ला के ते दोनों गड्डियां दे टैंक पानी नाल भर ले। हुण आपणी जिहड़ी पानी लोड़ होगी इहदे नाल पूरी हुंदी रहूगी। चलदे आपां अगे। तो लो जी आप घूमते घुमाते जिमें कि जिमें तुम दसिया आप चामुंडा माता तो दर्शन करके वो मोनेस्ट्री के दर्शन जिमें आप कराए सारे उतों घूम घुमा के तो हूँ आप अगे वधना सी उत्थे अगे वधन तो पहला जिहड़ा आपां नूं हनेरा हो गया क्योंकि गड्डियां दे विच पानी दोवां दे विच भरना सीगा उन्होंने फिल करदे ही आप टाइम बहुत हो गया। सो जे एक कैंपिंग का एक रूल आ कि जिथे तुहानूं हनेरा हो जाए ना उस तो अगे तुसीं चलो ना। सो इस करके असी भी उस तो अगे नहीं चले जिवें विवेक भाजी ने दसिया आपां नूं। सो उस तरह आप पहले दिन जिथे आए थे उस जगह पर आप फिर आ गए क्योंकि इतने बड़ा सैपरेट जहा माहौल आ सारे शांत। तो बिजली पानी भी हैगा ना ते या इतने हैगा वा बिजली भी आ पानी भी आ वधिया आपां नूं सारा कुछ इतने मिल जाता। तो हुण सैटअप पिछे खुल चुके ने रसोईयां दे ते हुण बनूगा रात का खाना पीना जो भी बनूगा। मैनूं लगदा वी सारे दी हर एक इंसान दी जिहड़ी जिंदगी खाण पीण ते टिकी वी आ कमाउंदा वी ओह खाण लई आ। राजस्थानी सेव टमाटो दी सब्जी बनानी है भाजी ने ते नाल आपां जिहड़ी अंगीठी हुंदी है उहदे ते बनावांगे रोटी। अपना भी जिहड़ा किचन खुल गया कुछ देखदे आपां की बनाउंदे आ फिर उधर बनेगा सेव टमाटो। इत्थे आपां बैठ के फिर खाना पीना भी इत्थे सारा आपां करांगे। सो जो सेव टमाटो बनते हो जे तुसीं पूरी वीडियो देखनी है फुल सेव टमाटो की तो अपने चैनल से पहला तैयार आ तुसीं वो जाके वेख सकते हो। आपां सेव टमाटो की सब्जी जिहड़ी भाजी ने अपने घर भी बनाई सी सो उही सब्जी बनावांगे हल्का फुल्का जां कुछ होर खाण पीण नूं जो भी आ वो करांगे। सो ब्लॉग जे तुहानूं चंगा लगा लाइक शेयर दब के कर दिओ। जिहड़े मेरे चैनल ते नवें आए ने उहनां नूं रिक्वेस्ट आ जी चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लैण बैल बटन दबाउणा ना भुल्लण ताकि नैक्सट नोटिफिकेशन तुहानूं जिहड़ी है लेटैस्ट वीडियो की मिलती रहे। सो इस वीडियो का यानी कि इस व्लॉग का इतने एंड करांगे ते कल नूं एक नवी जगह ते तुहानूं मिलांगे। किहड़ी जगह ते जा रहे हैं तो कल आपां जा रहे हैं बीर बिलिंग जो कि इत्थे पालमपुर दे लागे है। बीर बिलिंग थोड़ी दूरी ते ही आ। सो वह किदां दा शहर आ किदां आपां उत्थे सारा स्टे करदे हाँ की करदे हाँ तुसीं कल वाले व्लॉग च देखियो। सो अज वाले व्लॉग का इत्थे करदे जी एंड मिलदे एक नवें व्लॉग च। तक लई बाय। गुड्डू कर रही है जी पूजा तो इन्हें अगरबत्ती लगा ली है इधर जोत जला ली है ते कान्हा जी नूं सुला रही है ते अपनी अपनी जिम्मेवारी नाल सारा काम कर रही है। मैनूं बहुत अच्छा लगता है। ये तो बहुत गर्म नहीं हो पा रहा है ये एक्चुअली पता की ठंडा हो रहा है नाल नाल ओदे शेक पे ना अभी तवा ही नहीं गर्म है ना तवा गर्म होगा तब ज्यादा भारी है ना पहले कोयले पर आप डाल लो देखिए पर आप पूरे डाल लो अभी खाली है। हां ते इधर बन रही है जंगीठी ते रोटी ते ये बना रही है पूजा भाभी ਇਹਦੇ ਸਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਸੇਵ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕਦਮ ਉਬਲੀ ਹੋਈ ਬਣੀ ਆ ਵੀ ਜੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਨੇ ਆ ਇੱਕਦਮ ਉਬਲੀ ਹੋਈ ਬਣੀ ਆ ਸਰ। ਉਬਲੀ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਡਾਲਣਾ। ਅੱਛਾ 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 ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਮਿਰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਲੱਗ ਬਣੇਗੀ ਅਭੀ ਤੜਕਾ ਲਗਾਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਰਚੀ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਗਤੀ ਹੈ ਸਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਿਰਚ ਕੀ ਕਿਆ ਹੈ ਸਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਰਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਾ ਲੈਸਨ ਨਾ ਡਾਲੇਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲਗਾ ਲਓ ਤੜਕਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ।